हेलो स्टूडेंट्स, जनरल का आज चैप्टर हमारा चल रहा है और मैंने कहा था कि जनरल जो है ना हमारी अकाउंटिंग का मेन चैप्टर है। जिस स्टूडेंट को जनरल क्लियर है इसका मतलब उसको अकाउंट्स का बेसिक फंडा क्लियर है। 50% अकाउंटिंग हमें तभी आ जाती है जब जनरल का जो चैप्टर है हमें वो क्लियर हो जाता है। जनरल एंट्रीज बनाते हुए जो प्रॉब्लम स्टूडेंट जनरली फेस करते हैं वो डिस्काउंट वाली एंट्रीज में उनको प्रॉब्लम रहती है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज जो है वो किस तरह से हमने जनरल में रिकॉर्ड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो डिस्काउंट होता है बड़ा कॉमन वर्ड आया, आपने सुना हुआ है। हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे भी सकते हैं और जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उनसे हम डिस्काउंट ले भी सकते हैं। ये डिस्काउंट कई तरह का होता है। एक तो जनरल डिस्काउंट होता है, जैसे एक मेडिकल शॉप वाला अपने कस्टमर्स को 5% वो डिस्काउंट सबको देता है, तो जनरल डिस्काउंट है। चाहे कोई कैश पेमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा, उधार है, तो भी वो 5% डिस्काउंट दे रहा है। एक होता है कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को देने का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि हम लालच देते हैं कि अपने कस्टमर्स को कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो हम आपको इतने परसेंट छोड़ देंगे। तो जस्ट टू एनकरेज द कैश पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जनरली दिस डिस्काउंट इज गिवन, कैश डिस्काउंट। सपोज एक कस्टमर है, मान लिया उसको हमने 50,000 की गुड सेल की, अब वो कहता है जी 50,000 की बजाय मैं तो अभी 30,000 आपको दे देता हूँ, बाकी 20 मैं फिर दूंगा। हमने कहा हमारे यहाँ 2% कैश डिस्काउंट दिया जाता है, अगर आप 50,000 में से 30,000 की पेमेंट करते हो तो हम 30,000 का 2% यानी 600 आपको छोड़ देंगे, और अगर आप पूरे 50,000 देते हो तो भी 2% हम छोड़ेंगे, फिर आपको 1,000 आपको हम छोड़ देंगे। यानी कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे कैलकुलेट होता है, जितनी कोई कैश पेमेंट दे रहा होता है उस पे वो परसेंटेज जो कैश डिस्काउंट की है वो निकाल ली जाती है, कितना अमाउंट उतना अमाउंट हम छोड़ देते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू प्रॉम्प्ट पेमेंट को एनकरेज करना, वो इसका बेसिक पर्पज है। एक और डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी हम अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनाते, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है जनरली होलसेलर रिटेलर को देता है, और इस डिस्काउंट को देने का पर्पज जो होता है वो बल्क मतलब क्वांटिटी में बल्क सेल को प्रमोट करना, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बेचना, वो बेसिक पर्पज होता है ट्रेड डिस्काउंट का। और एक फिक्स परसेंटेज लिस्ट प्राइस पे दी होती है इसकी कि भाई 20% ऑफ है हमारे यहाँ, अगर कोई इतना माल खरीदेगा तो वो जो लिस्ट प्राइस होता है प्रोडक्ट का उस पे वो 20% कैलकुलेट करके नेट अमाउंट निकाल लिया जाता है, और उस नेट अमाउंट से हम एंट्री बना देते हैं। हम उसको कैश मेमो या इनवॉइस में से ही माइनस कर देते हैं, जो मतलब बिल बना उसमें से ही हम उसको डिडक्ट कर देते हैं, तो इसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। एक्चुअली जितने की सेल या परचेज हुई है नेट अमाउंट की उसकी एंट्री हम करते हैं। तो ये कई तरह ये डिस्काउंट हो गए। अब डिस्काउंट को अकाउंटिंग में किस तरह से ट्रीट करना है, देखिए डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है, रिसीव भी हो सकता है, और डिस्काउंट हम अपने कस्टमर्स को अलाउ भी कर सकते हैं। अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो लॉस है हमारा, और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो वो डेबिट होता है। और अगर डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, मिल रहा है हमें डिस्काउंट, हमें कोई छोड़ रहा है, तो वो हमारी इनकम है, और इनकम आपको पता है इनकम क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, हमने डिस्कस किए हुए अकाउंटिंग रूल, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ट्रांजेक्शन को पढ़ के हमें पता लग जाता है कि हमें डिस्काउंट मिला है या हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो अकॉर्डिंगली हम एंट्री बना लेते हैं। जब भी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसका हिसाब किताब हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में रखते हैं, और जब भी हमें डिस्काउंट रिसीव होता है उसका हिसाब हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में रखते हैं। चलिए ये चीज हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लिया सपोज हमने 10,000 की गुड्स परचेज की, और जिससे हमने गुड्स परचेज की उसने हमें 2% कैश डिस्काउंट दिया, हमने कैश परचेज की है, पेमेंट की है हमने, और 2% हमें उस पर कैश डिस्काउंट मिला है, तो इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमें डिस्काउंट मिला है, ना कि हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है। जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं उसने चाहे हमें अलाउ किया है लेकिन वो अपनी बुक्स में डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनाएगा, लेकिन हमें तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो हम इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। देखो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो परचेजेस अकाउंट है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, एक कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसकी एंट्री एक कैश अकाउंट में होगी, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, हमें रिसीव हुआ है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी, और हमें पता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो हमारी इनकम है, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट,
जितने की गुड्स हमने परचेज किए हैं उससे परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है क्योंकि परचेजेस जो है ना हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में हम 10,000 नोट करेंगे क्योंकि हमने 10,000 की गुड्स परचेज की हैं। लेकिन टू कैश अकाउंट कैश इज गोइंग, तो जितना कैश जा रहा है उतना हमें कैश के आगे लिखना पड़ेगा। तो 9,800 कैश हमारे पास से जा रहा है, तो दैट 9,800 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। और डिस्काउंट रिसीव्ड वो भी क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है 200। हमने बताया था कि जितने अमाउंट एक अकाउंट में डेबिट होता है उतना ही अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो 10,000 परचेज अकाउंट में डेबिट हो गए और 10,000 परचेज कैश में और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो ये कंपाउंड एंट्री हम बनाएंगे। कंपाउंड एंट्री हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, जितने की गुड्स हमने परचेज किए हैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कैश अकाउंट बिकॉज कैश इज गोइंग 9,800, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम है क्रेडिट हो गया 200। तो एक और एंट्री से हम क्लियर करते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने गुड्स सेल किए हैं, परचेज की बजाय सेल किए हैं, 10,000 की गुड्स हमने सेल किए हैं, और जिसको हमने सेल किए हैं कस्टमर को उसको हमने 2% कैश डिस्काउंट दिया है। तो कैश सेल है हमारी, पेमेंट की है उसने, तो हमने 2% छोड़ दिए हैं। तो आपको पता है जब हम 10,000 की गुड्स सेल करेंगे तो हाउ मच कैश विल कम, जबकि हम 2% उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10,000 का 2% 200 होता है, इसका मतलब वो हमें पेमेंट जब देगा तो 9,800 की देगा। तो कैश विल कम 9,800, कैश अकाउंट डेबिट 9,800, और 200 हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारी लॉस है, वो डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 से डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। और टू सेल, सेल हमारी 10,000 की हुई है, सेल क्रेडिट होता है क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है, क्रेडिट होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो ये कंपाउंड एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। चलिए एक और एंट्री से हम क्लियर करते हैं। देखिए मान लिया सपोज हमने अशोक से गुड्स परचेज की है 20,000 की। अब नेम दिया हुआ है तो इसका मतलब अशोक कौन है हमारा, अशोक हमारा क्रेडिटर है, हमें अशोक के देने हैं, उधार हमने गुड्स खरीदी हैं अशोक से। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक 20,000 20,000, अशोक इज गिवर हेयर इसलिए क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट हो जाएगा अशोक, और गुड्स हमने परचेज की है 20,000 की, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक। इस एंट्री का रिजल्ट ये होगा, ये एंट्री परचेजेस अकाउंट के डेबिट में जाएगी, परचेज अकाउंट में नोट हो जाएगी क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, और साथ ही ये अशोक के अकाउंट में क्रेडिट साइड में नोट हो जाएगी लेजर में, क्योंकि अशोक के हमें 20,000 हमें पे करने हैं, देने हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, हमने देखिए अशोक के देने कितने थे 20,000, हमें अशोक के पे करने थे। तो नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, अशोक को 19,500 हमने पे कर दिए फुल सेटलमेंट में। मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब ना अशोक के हमें देने हैं ना लेने हैं, हिसाब हो गया अशोक से। अब देने तो 20,000 से, लेकिन हम दे 19,500 रहे हैं और फुल सेटलमेंट हो गई, इसका मतलब 500 का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है अशोक से। तो एंट्री बनेगी अशोक डेबिट, अशोक के सामने 20,000 आएंगे क्योंकि अशोक क्रेडिट 20 से है, यहां डेबिट 20 से होगा तभी फुल सेटलमेंट होगी। अब जितने से एक अकाउंट क्रेडिट होता है अगर उतने से ही वही अकाउंट डेबिट हो जाए तो अब वो अकाउंट नील हो गया, कोई लेना देना नहीं, फुल सेटलमेंट हो गई। तो अशोक डेबिट, अशोक का हिसाब 20,000 से हो गया, लेकिन टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया, कैश गया 19,500।